हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट के बारे में कि कितने क्वेश्चन हैं जो ओल्ड पेपर से रिपीट हुए हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 17 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर फर्स्ट में जो बिल्कुल डिटो कॉपी ओल्ड पेपर में से रिपीट हुए थे। अगर किसी ने ओल्ड पेपर कर रखे हैं पेपर फर्स्ट के, तो वो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बड़ी आसानी से कर सकता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो अब की बार भी रिपीट हुए हैं डिटो कॉपी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरह से वो पहले भी आया है और बिल्कुल सेम आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो सेट है यूजीसी नेट का, वो एस नंबर का जो सेट है वो है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्वकल्पित है, यानी कि इसकी इन्होंने विशेषता पूछी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 है प्रकृति की समरूपता, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है पहले रिपीट हुआ था जून 2015 में, क्वेश्चन नंबर 33, ये आप नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसमें क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि प्रकृति की समरूपता, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पहले किया था, तो ये एक सेकंड के अंदर इसका आंसर वो लगा देगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। और ये देखिए सेम डिटो कॉपी हुआ था जुलाई 2016 में, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 48 जो मैंने नीचे दिया हुआ है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों में असंसाधित मल जल, और इसमें भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में जो अब की बार आया था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है असंशोधित वाहित मल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए और विश्वास हो जाए कि ओल्ड पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हो, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है सितंबर 2016 में रिपीट हुआ था। अब ये देखिए रैम, इसके अंदर रैम दिया हुआ है, रैम जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, एक खालिस्तान मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रैम जो है वो ओनली वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, केवल क्यू, यानी कि रैंडम एसेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम और आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित, ये जो मेल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, ये किसी को भेज रहा है, ठीक है, स्वामी नाम का कोई आदमी ये भेज रहा है। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट दिए हैं, एक तो 2 जिसे हम भेज रहे हैं, और एक सीसी कार्बन कॉपी या किसी और को भी भेज रहे हैं एक के अलावा, यानी कि हम एक साथ कई लोगों को कई बार मेल भेजते हैं ना। और तीसरा है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसे रिपीट हुआ था। ये देखिए ये सितंबर 2016 में क्वेश्चन नंबर 38 रिपीट हुआ था, ईमेल में संबंधित BCC से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से आप पढ़ोगे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त होगा, लेकिन 2 और CC फील्ड में पता नहीं दिखेगा। यानी कि इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो अगले को दिखाई नहीं देगा, जिसे हम मेल भेज रहे हैं उसे दिखाई नहीं देगा। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से वो दे सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 के अंदर जो एड्रेस दिया हुआ है ये, और प्लस में CC में जो एड्रेस दिया है ये दोनों के दोनों एड्रेस अगले को दिखाई देंगे, और जो BCC के अंदर दिया है वो एड्रेस दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से,
ठीक है, और अब हम चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन तो दोस्तों पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, और मैंने अच्छे से बताया भी था आपको पहले की जो वीडियो थी अपनी आईसीटी की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए आप 2013 में रिपीट हुआ है, 2014 में रिपीट हुआ है, फिर 16 में रिपीट हुआ, फिर 17 में रिपीट हुआ, ठीक है, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ, तो ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण के प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है, यानी कि अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता का मतलब होता है दोस्तों स्टूडेंट जो होता है उसकी विशेषता कौन सी है, विशेषता हमें इसमें बतानी है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और नवंबर 17 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आया था। ये देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट विषय के संबंध में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया ये ऑप्शन सही है, और यही इन्होंने अब की बार बारी पूछ लिया अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 3 है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि जिस बंदे ने नवंबर 2017 के क्वेश्चन को अगर करके देखा है, ओल्ड पेपर करके देखा है, तो वो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकता था। और ये देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है हमेशा लगभग यही आता है, ठीक है, सादृश्यात्मक, सादृश्यात्मक का मतलब होता है दोस्तों यानी कि कंपेयर करना, किसी के साथ हमें किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो होता है सादृश्यता। अब ये देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है, जून 2013 में, 14 में, फिर 14 में हुआ रिपीट, फिर दोबारा से फिर 14 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 17 में हुआ, फिर दोबारा से 17 में हुआ, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही, यानी कि पृथ्वी की तरह ही इसमें कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। और अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 13, जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी कि इसमें भी ये देखिए जिस प्रकार यानी कि कंपेयर कर रहे किसी के साथ में, तो इन सभी का जो आंसर होगा वो होगा सादृश्यात्मक, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम और देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्रियाकलापों के निम्नलिखित में से समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति में चक्रीय प्रकृति को इंगित कीजिए, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इन्होंने क्या बुझा हुआ, क्रियात्मक जो शोध होते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है, उन्होंने ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कब रिपीट हुआ था, जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें हुआ था। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रियात्मक अनुसंधान में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें योजना निर्माण, क्रियान्वयन और प्रेक्षण, ठीक है। और ये अगर आप 39 के क्वेश्चन में देखोगे तो क्रियान्वित ये सबसे पहले दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और ये फिर दिया हुआ है प्रेक्षण करना, ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन है वो बार 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 रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को कहा था कि शोध नैतिकता आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अब की बार फिर से ये रिपीट हो गया, और शोध नैतिकता के बारे में हमेशा लगभग पूछ लेते हैं। अब ये देखिए जून 12 में रिपीट हुआ था, दिसंबर 2012 में हुआ था, जून 13 में हुआ था, दिसंबर 15 में रिपीट हुआ था, जनवरी 17 में, नवंबर 17 में और सितंबर 16 में, 2016 में रिपीट हुआ था। कितनी बार ये क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब हम और देखते हैं जो रिपीट हुए, ये देखिए ये मैंने दिखा रखा है शोध नैतिकता, ठीक है। और अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। अब ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन अभी आया था, इसके अंदर ये दिए हुए हैं शोध दिए हैं, तो इस हमें इनमें मिलान करना था, ठीक है। अब ये देखिए क्रियात्मक शोध इन्होंने दिया है, और इसके सामने जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना,
ठीक है, ये सेम डिट्टो कॉपी पहले रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सितंबर 2016 में और नवंबर 17 में। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्रिया अनुसंधान। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया है, प्रदत्त स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हस्तक्षेप, सुधार के लिए हस्तक्षेप। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए स्थिति में सुधार लाना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, और भी दिखाता हूँ मैं आपको कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से जो स्टेप है वो यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये आया था अपना दिसंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन और जनवरी 17 के अंदर क्वेश्चन आया था। ये देखिए वैज्ञानिक शोध में क्रमिक क्रियाएं कौन सी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये देखिए एक ये भी आया कि अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन करके आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने 2012 से लेकर और जुलाई 2018 तक अपने जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, पेपर फर्स्ट, उसकी पीडीएफ मैंने बना रखी है, सभी की टॉपिक वाइज मैंने बना रखी है, यानी कि आज तक रिसर्च से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन से कौन से आए हैं, टीचिंग से कौन से आए हैं, वो सभी मैंने अलग अलग बना रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं, और इनको करके आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन पेपर को आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अब की बार कितने करीब 17 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मायने रखता है दोस्तों, और हमारा क्या होता है कि हम नेट क्वालिफाई करने में काफ़ी बार एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से, और ऐसे ही हम रहते हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। अगर किसी को ये पीडीएफ लेनी है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम और जानते हैं कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए थे अब की बार भी। ठीक है, इसमें ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ये रिपीट हुआ था जनवरी 2017 में और नवंबर 17 में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसके अंदर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ये राइट आंसर था इसका इसमें। ठीक है, ये देखिए 2 में, और इसमें अब हम देखते हैं समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस बंदे ने क्वेश्चन नंबर 55 पहले किया था वो 44 का आंसर बड़ी आसानी से दे सकता था। ठीक है, और ये देखिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर इन्होंने दिया है कि शिक्षण और अधिगम के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए ऑप्शन नंबर एफ जो आप देख रहे हैं, एफ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, ये पहले आ चुका है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए नवम्बर 2017 में रिपीट हुआ था, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर है 1, और ये देखिए इसके अंदर शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए 41 क्वेश्चन नंबर है, मूल्यांकन के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, निर्माणात्मक मूल्यांकन इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पे रिपीट हुआ था, पहले सितंबर 2016 में और जनवरी 17 में रिपीट हुआ था, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन इन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से आंसर क्या आएगा।
ठीक है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है अपना वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि इसकी डेफिनेशन वगैरह वो अच्छे से कर लेना, ये रिपीट हो सकता है। ये पहले जून 2012 में रिपीट हुआ था, जून 2013 में भी, और जुलाई 2016 में रिपीट हुआ था पहले। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अब की बार रिपीट हुए थे, और जिस किसी ने भी हमारी ओल्ड पीडीएफ की थी जो मैंने बना रखी थी पेपर की, वो पीडीएफ की, उन्होंने बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमसे ले सकते हैं, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको 2012 से लेकर जुलाई 2018 तक की पीडीएफ मिलेगी, और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बना रखी है। जो पेपर फर्स्ट में जो आते हैं अपने, यानी कि कम्युनिकेशन की अलग है, रिसर्च की अलग है, टीचिंग की अलग है, और उस पीडीएफ को करके आप दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।